आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं कितना बड़ा प्रोफेशनल हिटमैन, चोर, ड्रिफ्टर। अबे ऐसे क्यों बैठा है, पैंट फट जाएगी तेरी। अरे यार बॉब, तेरे को ये भी नहीं पता क्या, ये कस्टम सिलवाया यार मैंने बबलू द टेलर से, नहीं फटेगी। चौप इस बेवकूफ को जरा समझा। आप बॉब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बबलू द टेलर बहुत कमाल का है। ये बात तेरे को कैसे पता? क्या यार बॉब, सबको अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा है कि तूने? अच्छा तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, हां मैं बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल चोर हूं ना, तो आज हम चोरी करेंगे। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि GTA 5 में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको चोरी करनी पड़ती है। और आप लोग तो जानती हो कि मेरे पास दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कुत्ते जिनको मेरे को खाना देना पड़ता है गाइस, तो मेरे को ऐसे काम करने पड़ते हैं। अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 1.5 मिलियन तक भी मनाली ड्रिफ्ट करते जाने वाले हैं। न्यूक्लियर हमको भी तुम्हारे साथ आना है। चौप आज हम बिलियनियर बाइक छुड़ाने वाले ना, तो तुम लोग के लिए पीछे जगह नहीं होगी, तो तुम्हें यही रुकना पड़ेगा। लेकिन हमको भी देखना है। हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू कितना बड़ा प्रोफेशनल है। हो बॉब, मेरे पे शक करते हुए तेरे को शर्म नहीं आती? लेकिन कोई नहीं गाइस, इसका भी जुगाड़ है यार मेरे पास, बहुत बड़ा। तुम्हारे पट्टों पे माइक्रोफोन तो लगा ही हुआ है और मेरे शर्ट पे भी एक सीक्रेट कैमरा लगा है, तो मैं उसको इस टीवी से कनेक्ट कर लेता हूँ और तुम लोग को सब कुछ दिख जाएगा और तुम लोग मेरे से बात भी कर सकते हो। ओके ठीक है न्यूक्लियर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा तो मैं चलता हूँ और तुम दोनों को मेरी दूसरी और तीसरी आंख बन के मेरे को सब कुछ बताना है। अबे चश्मिश, तेरे पास ऑलरेडी दो आंखें है ना, तो हम लोग तेरी दूसरी और चौथी आंख बनेंगे ना। यार मैं तेरे को कितनी बार समझाऊं, ये चश्मा नहीं है, ये स्वैग है ब्रो, स्टाइल बोलते। अच्छा ठीक है आलसी, कह के जल्दी निकलना है यहाँ से, चोरी नहीं करनी तेरे को। अरे हाँ, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। हेलो हेलो टेस्ट टेस्ट, तुम दोनों को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ न्यूक्लियर आ रही है। नॉइस। ओके तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट व्हीकल है वो है मिलिट्री बेस में, और जो नूब चोर है ना वहाँ तक बाइक चला के जाते हैं। लेकिन आप लोग को तो पता ही है मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, तो हम लोग वहाँ तक बिल्कुल प्रो लोगों की तरह जाएंगे। और प्लीज गाइस, आप ऐसी चीज अपने घर पे ट्राई मत करिए, ठीक है? दिस इज डन बाय प्रोफेशनल्स ओनली। वो तो अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा कितना बड़ा प्रोफेशनल है। अभी इस बॉब की बोलती बंद करते। ये देखो गाइस, दिस इज नोन एज वेरी न्यूक्लियर स्टाइल। अरे वाह क्या बात है न्यूक्लियर, तुम तो चिड़िया बन गए। चौप चिड़िया नहीं यार, ड्रैगन बोलते हैं। चिड़िया है, ऐसा लगता है कि कोई छोटकू सा प्रोफेशनल चोर है, लेकिन हम बड़े प्रोफेशनल चोर है ना। और गाइस आप लोग देख रहे हो, हम लोग मिलिट्री बेस कितनी जल्दी पहुंच गए यार, मतलब इतनी तेज कौन जा सकता है इस दुनिया में मेरे अलावा। बिल्कुल मस्त लैंडिंग करी एकदम जेस बोर्ड के चले पे, लेकिन पैरेंट न्यूक्लियर प्रोफेशनल लोग ऐसे ही लैंड करते हैं क्या? हाँ बॉब ऐसे ही लैंड करते हैं, हमारा फर्स्ट लेसन हमको यही सिखाया था। और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, मिलिट्री वाले मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ रहे? मेरे को तो लगता है वो तुमसे डरते हैं। हाँ यार मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, आजकल लॉस एंटस में कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया क्या मैं? अबे नहीं, वो तेरे से नहीं डरते, उन्हें पता है तू पिद्दीस आदमी क्या ही कर लेगा। जल्दी से बाइक लेके निकल जा, नहीं तो तेरे बम पे गोली मार देंगे वो। कितना नेगेटिव आदमी है गाइस ये बॉब। और ये देखो यार, बॉब बोलते कचरे के ऊपर आ गए। बॉब तेरे से हजम नहीं हो जा रहा ना कि मैं तेरे से ज्यादा पॉपुलर हूँ? चल जा बे। हाँ लगा ही था। और गाइस ये देखो कितने बड़े बड़े एंटीना है यार यहाँ पर। बट इन लोगों ने वो बाइक कहाँ छुपा के रखी होगी यार, मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस बाइक है। सर मैं यहाँ पर ऐसे टहलने के लिए आया हूँ, मेरा कपड़ा उड़ के गिर गया था यहाँ पर। देखा तुम लोगों ने कैसे प्रोफेशनली हैंडल करा मैंने उसको। उसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि तेरे से ऐसा बेवकूफ ऊपर से नीचे टपका। अब बॉब उसको बोलते हैं शैडो निंजा टेक्निक, मेरे को निंजा हथौड़ी नहीं सिखाया था। डिंग 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 डिंग। शक्ल देखी अपने आईने में कभी निंजा गई के? मेरे को तो लगता है वो सो रहा था। और गाइस ये देखो यार कितना कमाल का जेट है। लेकिन न्यूक्लियर तुमको तो बाइक चुरानी थी, क्या भूल गए? अरे हाँ जॉब, थैंक यू याद दिलाने के लिए। और तू अपने आप को प्रोफेशनल बोलता है? नो, इट्स नॉट प्रोफेशनल, इट्स प्रोफेशनल। क्या प्रोफेशनल? अरे यार गाइस ये बॉब कितना बड़ा नूब है, प्रोफेशनल भी नहीं बोल पा रहा। छी 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 छी। और गाइस ये नहीं वाली बाइक, लोग मेरे को हमेशा बोलते थे कि ओप्रेसर लो ओप्रेसर लो, आज हम फाइनली ओप्रेसर चुराने वाले हैं। ये लेने में और चुराने में बहुत फर्क होता है यार बॉब, तो थोड़ी देर के लिए शांत रहो। गाइस ये देखो यार कितने कमाल के, ये जो गाड़ी वाला बूस्टर है वो इसमें फिट कर दिया क्या? और रुको इस पे एक बूस्टर नहीं दो दो बूस्टर है, क्या बात है, लेट्स गो। अरे वाह गाइस ये चीज तो बड़ी कमाल की। रुको मैं आप लोग को वापस से दिखाता हूं। ये देखो जैसे हम लोग बाइक के ऊपर आते हैं इसकी लाइट जलती और हवा में उड़ती है, लेट्स गो। सही में ऐसा लग रहा है कि हम लोग हाइड्रा चला रहे हैं। ये अब इसमें मशीन गन भी लगी है, क्या बात है गाइस, क्या बात है। हम लोग फटाक से एमिनेशन के पास चलते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वाली बाइक है ना उसको चुराने के लिए हम लोग को अपने वेपन्स को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड रुको, ये लाल लाल निशान क्या है? तुम्हारी इतनी हिम्मत वेरी न्यूक्लियर की होते हुए तुम एक लड़की को छेड़ रहे हो? गाइस इन लोग को छोड़ने का नहीं है, ये लो मेरी मशीन गन ले लो, एक्शन मशीन गन बीम। खत्म हो गए क्या? अबे ये वापस कैसे उठ रहे हैं? अरे बाबा क्या चल रहा है, ये लोग उठ, ये तो मेरे को बेसबॉल बैट
फिर से मारे तेरी इतनी बतरू कभी घूम घूम के तेरे ऊपर बशीर कर पी 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 पी। अबे तेरे को समझ नहीं आती, अलग ही चौड़ है भाई लौंडे की। मैं मशीन गन चला रहा हूँ और पीछे से बेसबॉल बैट से मार रहा है। अच्छा तो गाइस हम लोगों ने अपनी मशीन गन को अपग्रेड कर लिया है, लेकिन न्यूक्लियर तुमने मशीन गन को क्यों अपग्रेड करा? जॉब तेरे को भी थोड़े सेकंड्स में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले रुक मैं इसको अपने घर पे पार्क कर देता हूँ। अबे अब तो बता देना कि मशीन गन क्यों ली। अरे बाबा बस 2-3 सेकंड और रुक जा, तेरे को लाइव डेमो मिल जाएगा कि मैंने क्यों लिया। न्यूक्लियर ये लोग कौन है गोली चला रही है? नहीं 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 मेरे पहिया पंचर कर दिया यार इन लोगों ने। हाँ इन्हीं लोग की वजह से तो मेरे को अपनी मशीन गन अपग्रेड करवानी पड़ी। रुको अभी इन लोग की बैंड बजाती है, इन लोगों ने मेरे पहिया के पंचर कैसे करा? मैं आराम से आ रहा था ना, रोक के भी तो बात कर सकते थे। अबे वाइब्रेनियम का टूर बना रखा है क्या? स्टिकी बम को कोई असर ही नहीं हुआ। रुको गाइस हम लोग अभी अपना 200 IQ बिग ब्रेन चलाते हैं। मैं फिसल क्यों रहा हूँ, क्या हो रहा है? ये मशीन गन कुछ ज्यादा ही भारी है क्या? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन हो गए कामयाब। लेट्स गो आ जाओ। न्यूक्लियर इनको दिखा दो कि तुमसे पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। जो आप तुरे तो मेरे दिल की बात छीन ली, ये ले तुम्हारी ऐसी थी तैसी। गाइस आप लोग देख रहे हो कितनी खतरनाक मशीन गन है। और अबे ये क्या, हम लोग इसको हवा में उड़ा रहे हैं क्या? क्या हो रही है? तूने तो इसको सही में चिड़िया बना दिया। हाँ चिड़िया बना दिया। और ये भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा ये लोग ऊपर चढ़े कैसे। और मानना पड़ेगा गाइस मशीन गन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मेरे को नहीं पता था कि इतनी स्ट्रांग होने वाली है। अरे कहाँ छुप के बैठे हो, असली मर्द तो बाहर आओ ना, मेरे को देख के फट गई क्या? लगता है वो तेरी सड़ियल सी शक्ल देख के डर के भाग गए। चुप बैठती थी तो अच्छी। और सर सर कहाँ गोली चला रहे थे? ओके तो गाइस लगता है कि सारे के सारे खत्म हो गए। और ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने तो उसको फ्री में सुपर फैन बना दिया। ये बड़ी कमाल की चीज है। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। लेकिन वो सब छोड़ो यार, मैंने तो सुना था यहाँ पर बड़ी मस्त सी बाइक है। लगता है तेरा किसी ने स्कैम कर दिया। अबे स्कैम नहीं करा, सही में बाइक है ये देख। ओह माय गॉड गाइस ये बाइक कितनी ज्यादा बैडएस लग रही है, आप लोग देख रहे हो इसमें स्कल लगा हुआ है। हॉर्न न्यूक्लियर तुमने ये क्या कर दिया? अच्छा वो गलती से मेरी उंगली ट्रिगर पे स्लिप हो गई। ये बाइक तो बड़ी कमाल की गाइस आप लोग देख रहे हो। ए मेरी बाइक देखो तुम दोनों, मेरे को इग्नोर क्यों कर ले हो? ए तुम्हारी इतनी बार ये बाइक इतनी फिसल की और ये मक्खन लगा रखे के पहियों के अंदर इन लोगों ने। अबे तो इतनी भारी बाइक मिट्टी पे चलाएगा तो यही होगा ना। अरे वाह क्या बात है बॉब, तुम तो स्मार्ट बनते जा रहे हो। थैंक यू। अरे हाँ यार तू तो बिल्कुल सही बोला था, रोड पे तो बड़ी कमाल की चल रही है। लेट्स गो गाइस, अब हम लोग को चुरानी अपनी थर्ड बाइक जो कि हम लोग को मिलेगी वेनिस बीच पे। न्यूक्लियर बीच क्या तो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। बॉब देख जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपना काम करते रहिए। पिल पिली टट्टी कितना सड़िया सा लग रहा है, निकल यहां से। और ए तू क्या कर रहे पे? ए फुट फुट लेगा मेरी है, फुट फुट लेगा। एक ही बुक्के पे नीचे गिरी है कमजोर आदमी। लेकिन न्यूक्लियर तुम तो बोल रहे थे ना कि प्रोफेशनल लोग बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हाँ चौपर को पता है, लेकिन एक सेकंड रुक यार, ये सारे लोग मेरे को देख के डर के भाग रहे, बट ये बंदा आराम से यहाँ पर गिटार बजा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत में टकले आदमी कही के। मेरे जासूस लोग के हिसाब से यही पर वो बाइक होनी चाहिए। चौपर बॉब तुम लोग भी अपनी आंखें खोल के देखो, अगर तुम्हें कहीं बाइक मिलते तो मेरे को बता देना। एक सेकंड को गाइस इनसे पूछ लेते हैं, सर आपने यहाँ पर कहीं बाइक ये जी तेरे से तो अच्छी ही शक्ल है उसकी। बॉब मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, क्यों जलस होता है मेरे से? और गाइस अगर आप लोग को बाइक दिखती है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यही कहीं होना चाहिए यार, दिख क्यों नहीं रही? गाना गा किसे पता हुआ जाए। मेरे प्यारे बाइक मेरे पास आ जाओ ना, कहाँ छुप के बैठे हो? न्यूक्लियर बॉब तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। अरे वो तो मेरे को पता है यार, मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, तुझे क्या लगा कि मैंने इसकी बात मान ली? मैं तो बस अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन में कितना फेंक लेता है ये लौंडा। आप लोग को कहीं पर बाइक दिख रही है तो मेरे को पता हो ना यार कहाँ है। अबे सस्ते डोरा दी एक्सप्लोरर तेरे पीछे देखना। ओ पीछे है क्या, कहाँ पर है? अरे बाबा ऊपर देखो ना, ये बाइक ऊपर कैसे पहुँची बे? अब हम इसको वहाँ से निकालेंगे कैसे? तू तो प्रोफेशनल है ना, निकाल। मेरे स्किल्स पे तू शक करता है, रुक अभी निकाल के दिखाता हूँ। गाइस इस बाइक को निकालना बहुत इजी है, हम लोग को चाहिए एक गाड़ी और एक चुटकी हिम्मत। अरे मेरे रास्ते से हटो रे बाबा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कोई नहीं कोई नहीं, कभी कभी प्रो लोगों से भी गलती हो जाती है, वापस से करते हैं। अबे ये क्या हुआ, फेविस्टिक से चिपका रखा। अरे निकल गई, मेरे को लगा था कि भाई ये ऊपर चिपकी हुई है। ये लेट्स गो निकलते हैं यहाँ से, लेकिन
मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा उससे पहले? ए टोपी वाले अंकल, आप भी ला लो और मेरी गाड़ी भी ला लिए लो। ओके तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, ये लोगों को आराम से उड़ा सकती है। और अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट बाइक की तरफ जो की है इससे भी ज्यादा खतरनाक। हालेलुया। अरे लाल लाल टिड्डी वाले अंकल कैसे हो? न्यूक्लियर तुम माउंट चिलियर पे क्यों आए? जो आप, क्या तू जानते हैं हम नेक्स्ट वाली बाइक किससे चुराने वाले हैं? नहीं, किससे चुराने वाले हैं? हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली बाइक चुराने वाले हैं लाइफ इन्वेडर के सीईओ से। अबे वो सीईओ होता है। अरे गाड़ी फिसल गई, बच गए। पापू मेरा स्टाइल है यार। वैसे न्यूक्लियर ये लाइफ इन्वेडर क्या है? जो लाइफ इन्वेडर एक तरीके से लॉस सैंटोस का फेसबुक है, लेकिन उसका सीईओ यहाँ पर माउंटेन पे जिंगल आला हुआ कर रहा है क्या? अरे नहीं बॉब, तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। देखो जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो अजीब अजीब जगह पे घर बना लेते हैं। और ये आगे देखिए, जो तेरे को घर दिख रहा है ना, वो लाइफ इन्वेडर के सीईओ का है। ऐ छुटकी से पेड़ मेरे रास्ते पे क्यों आ रहे हो? मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इस बंदे ने सही में माउंट चिलियर के ऊपर अपना घर बना दिया। अरे क्या हो गया यार? नहीं, मेरा टॉयलेट। और गाइस ये क्या देख रहे हो, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये हल्के रिश्तेदार है क्या? अरे मेरे को यार क्या है, हर कोई मेरे को देख के डरता है। और आप क्या कर रहे हो? बेंच प्रेस मारे। रुको मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। अरे क्या पैसा गिरा? क्या बात है, लेकिन अरे ये क्या हो रहा है? अरे वेट निकालो इसके ऊपर से, कोई मदद करो बेचारे की। डोंट वरी, मैं आपकी मदद करके रहूंगा। अरे निकालो यार वेट। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं दौड़ते दौड़ते आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। लेकिन मैं फिसल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं आई एम कमिंग। ये है? अबे वेट गायब कैसे हो गया? जादू? और क्या बात है यार, यहाँ पर ये इसे क्या बोलते हैं, जकूजी बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, कुछ बड़े बड़ा शब्द है, मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा आप जल्दी से बाइक लेना। ले रहा हूँ ना, क्यों इतना टेंशन ले रहा है? अरे वाह यार, इसका घर तो बड़ा कमाल का। आप लोग देख रहे हो कितनी खतरनाक पेंटिंग लगा रखी है इसने। लाइफ इन्वेडर का लोगो तक अपने घर के अंदर घुसाड़ के रखा है इसने। और क्या बात है, इसके पास तो पूल टेबल भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल का तो गाइस ये है। क्या बात है यार, इसके पास आर्केड मशीन है। मेरे को याद है मैंने बचपन में इनके ऊपर पैकमैन खेला है, और मुस्तफा खेला है, स्ट्रीट फाइटर खेला, और बहुत सारे गेम्स खेले हैं गाइस। अगर आप लोग को भी वो गेम्स याद है तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। और ये क्या है मिस्टर डैब मैन? अरे क्या हो रहा है, हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हम लोग प्रोफेशनल चोर है यार। इसके पास इतने सारे मॉनिटर है, मैंने ट्रिपल मॉनिटर सुना, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 और छठा, और छठा मॉनिटर कितना बड़ा है? ये बंदा इसमें करता क्या है, छोटा भीम देखता है क्या? इसने सही में अपनी बाइक बेड के ऊपर सुला रखी है। गाइस ये बंदे कुछ ज्यादा ही रेज नहीं है। वैसे गाइस मानना पड़ेगा ये बाइक कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। और ये देखो यार, ये BMW की बाइक है जिसपे इतना बड़ा नाइट्रो लगा रखा है, और इसका कलर भी मेरे साथ काफी अच्छी तरीके से मैच करता है। तो आ जाओ इसको जरा स्पिन पे ले चलते हैं। इस बाइक को बस आराम आराम से पीछे की तरफ करने का है, और फिर हम लोग को रुकने का है। देन वी विल हैव टू गो लाइक ब्रूम 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 फ्रंट फ्लिप। ले 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 ले, लेकिन मैं नीचे गिर रहा हूं। क्या बात है यार, इस बाइक में कुशन्स लगा रखे किसने? ये बाइक तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वाह क्या बाउंस मारती है ये। बट आई डोंट थिंक ये पानी के अंदर जा सकती है। रुक जा, तेरी पेड़ की ऐसी थी तैसी। अरे यार ये क्यों हो गया, मेरे को मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे को मछली बनने का है, मेरे को चोरी नहीं करना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बाइक रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, रात का टाइम हो गया है, और जो हमारी फाइनल बाइक है वो हमें यहीं पर मिलने वाली है। और ये सुनने में आया कि ये वाली बाइक सबसे ज्यादा बैडएस होने वाली है। तो गाइस अगर आप लोग को मिलता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन यार ये ट्यूबलाइट किसने लगा रखा है बीच में? इतना ही पसंद आ रहा है तो घर लेकर आ जाना। हाँ लेकर आ जाएंगे। और गाइस ये देखो तो सही, कितनी कमाल कमाल की गाड़ी। और ये मैडम पागलों की तरह क्यों चल रही है? और ये देखो, ये भी पागलों रखी है। लॉस सैंटोस में तो काफी अजीब लोग रहते हैं। हाँ चुप, तो बिल्कुल सही बोल रहे, दिन ब दिन पागल बढ़ते जा रहे। और ये सर अपने पैंट नहीं पहने क्या? इनको देखिए पुशअप कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं सबके सामने। निकल यहाँ से टकलू गई के। अरे भाई साहब हमारी भी तो फोटो लो, ये देखो इतने अच्छे मॉडल है। इस वाले एंगल से खींचना, काफी अच्छी फोटो आती है मेरी। न्यूक्लियर तुम भूल गए क्या, तुम्हें बाइक चुरानी है? नहीं चुप नहीं बोला मैं तो बस ऐसे ही आसपास एरिया देख रहा था कि कैसा है। चलते बाइक लेते हैं। उसको यही कही होना चाहिए यार, ऐसी जगह पे। अबे सही में निकल गई यार, पर क्या बात है। अरे वाह ये बाइक तो बड़ी खतरनाक है। हाँ बाप, तू इसका इंजन देख रहा है, ये पहिए तो कितने मोटे हैं। इसको चलाने में तो सही में बहुत मजा आएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से लो ना। हाँ क्यों नहीं, वी आर प्रोफेशनल, वी डोंट वेस्ट टाइम। अरे वाह यार ये तो एक तरीके से मिनी कार लग रही है। बाप रे कितनी लंबी है। और
अबे ये क्या स्कैम है, अटक गई क्या? अरे मेरी कोई मदद करो प्लीज। ला 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 ला। अरे वाह यार, इसके सस्पेंशन सिस्टम देखे तुम लोगों ने, कितने खतरनाक है। आ जाओ एक बार इसका बूस्ट भी ट्राई कर लेते हैं, लेट्स गो। ये कितनी तेज आ रही है, एक और बार ट्राई करते हैं, लेट्स गो। आई एम स्पीड। तू स्पीड नहीं है, तू नूब है।